तो गाइस अर्जुन हियर, वेलकम टू जन्नत क्रिकेट टिप्स। तो गाइस जन्नत क्रिकेट टिप्स मतलब एक अलग ही लेवल का वर्क है। और गाइस तुम लोगों को भी आज CPL में जो मैच था, तो काफ़ी लोगों को एंट्री का अपडेट मिल गया हो। जब वहां पर ट्रिवांगो 70 पैसे समथिंग था, बोला गया था कि जाओ प्लस अमाउंट से जो पेड क्लाइंट है लगा दो, मतलब तुम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रिवांगो अपनी टीम है। इसके बाद गाइस 40-50 पैसे रोल्स आता है और वहाँ से 25 पैसे लग करके रोयल्स हारी है मैच कहीं ना कहीं, लेकिन 25 पैसे पर एंट्री नहीं हुई। बहुत सी मार्केट में ऐसे बोलेंगे 25 पैसे का घोड़ा जैकपॉट मैच उड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लास्ट एंट्री हुई 45 पैसे समथिंग पर, तो 45-50 पैसे का मैच होगा इसको बोल सकते हैं। और 30 पैसे जब अपनी टीम आई, 30-40 पैसे वहाँ पर लॉस कट किया, तो और काफ़ी एंट्री थी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। और तुम लोगों ने भी जिसको एंट्री मिल गई होगी पेड में, तुम लोगों ने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया होगा। और गाइस इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तुम लोगों को फर्स्ट एंट्री बोला गया था कि 6 ओवर सेशन यस कर लेना और लंबी यस कर लेना, और 15 ओवर सेशन बोला था स्कीप करना, ठीक है। और 10 ओवर भी तुम लोगों को बोला गया था यस कर लेना अगर तुम लोगों को मिलता है, लेकिन 10 ओवर भी मतलब समथिंग लॉस ही रहा होगा तुम लोगों का। और गाइस तुम लोगों को मैच की एंट्री दी गई थी कि स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड तुम लोगों को ऑस्ट्रेलिया 90 पैसे समथिंग मिलेगा, अपना पूरा अमाउंट लगा देना और 20-25 पैसे पर बुक सेट कर लेना, वो 23-25 पैसे समथिंग ऑस्ट्रेलिया आकर के हारी है इस मैच को। तो कहीं ना कहीं उस मैच को मैं मानता हूँ कि नो लॉस नो प्रॉफिट रहा होगा, क्योंकि तुम लोगों को मैच में ये भी बोला गया था कि वहाँ से री एंट्री लेनी और 50-60 पैसे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा वहाँ पर लगा देना, तो तुम लोगों ने प्लस अमाउंट से री एंट्री ले ली होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नो लॉस नो प्रॉफिट दिस मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बट गाइस मतलब CPL का मैच जो है ना, अभी ये देखने को मिला कल है संडे, कल है बिग जैकपॉट मैच जिसकी फीस रहती है, सिंगल मैच की फीस रहती है 31,000 से 51,000 रुपये। लेकिन इस जो कल मैच है CPL का ही मैच है जिसकी फीस रहेगी 50,000 है, लेकिन कुछ न्यू क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग समझते हैं यार 50,000 फीस होगी तो पता नहीं 50,000 की लिमिट ही है, 20,000 की लिमिट है, 30,000 की लिमिट है, लेकिन इससे क्या ही कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो तुम लोग न्यू क्लाइंट हो, तो तुम लोगों के लिए स्पेशली 25,000 फीस है, 50% एडवांस पेमेंट करना है जब तुम लोग 6 से 8 लिमिट प्लस रहो, क्योंकि इसकी मैच की जो एंट्री री एंट्री आई है ना गाइस, अभी तक तुम लोगों ने CPL में कमाया है कल और कमा लो, उसके बाद तो तुम लोगों के लगना बर्बाद हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा ये CPL हो क्या रहा है। तो कल गाइस जो मैच है ना काफ़ी शानदार है, जो CPL का मैच खेला जाएगा मतलब बहुत ही धमाकेदार मैच होगा। और गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच में तुम लोग अच्छा प्रॉफिट रहोगे, क्योंकि गाइस मतलब रॉयल्स और गुयाना के बीच में मैच है। तो गाइस एक बात बताओ ना, अगर तुम लोगों को सेशन से प्रॉफिट बनाना है तो सेशन ना अगर तुम लोगों को यहाँ पर गुयाना फर्स्ट बैट पर मिल जाता, वैसे जो स्क्रिप्ट आई है वो स्क्रिप्ट ये है कि टॉस जीतेगा बारबाडोस रॉयल्स, फर्स्ट बैट पर आएगा गुयाना अमेजन वॉरियर्स। और गाइस लेकिन फर्स्ट बैट पर गुयाना मिल जाता ना, तो सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर का सेशन स्किप कर देना, बाकी सारे सेशन नोट कर लेना, तुम लोग प्रॉफिट में रहोगे। और गाइस अगर 1% इसकी स्क्रिप्ट शो करूंगा थोड़ी देर पहले, लेकिन ये तुम लोगों सेशन के लिए बोला है। और गाइस जैसे कि जो स्क्रिप्ट आई है गाइस, स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजिंग है इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट जो स्क्रिप्ट आई है वो मैं तुम लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। तो गाइस टॉस जीतेगा यहाँ पर गुयाना अमेजन वॉरियर्स, और फर्स्ट बैट पर आएगा यहाँ पर बारबाडोस रॉयल्स आएगा। और गाइस जो 6 ओवर सेशन ओपन होगा नोट कर लेना, 10 ओवर तुम लोगों को क्या करना है यस या नोट तुम लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। लंबी भी तुम लोगों को ज़्यादा स्कोर नहीं देखने को मिलेगा बारबाडोस का, लगभग 157-163 के बीच में मिलेगा, 157-163 के बीच में स्कोर होगा बारबाडोस रॉयल्स। लेकिन ट्विस्ट यही है कि इस मैच में तुम लोग कितना प्रॉफिट रह सकते हो। अगर तुम्हारी खुद की टीम है ना और जीत जाती है, तो तुम लोग एक लिमिट भी बड़ी मुश्किल से प्लस रहोगे, लेकिन ये मैच ऐसा है कि तुम लोगों को 15 पैसे से 70 पैसे टीम मिल रही, 70 पैसे से तुम लोगों को 10 पैसे मिल रही, और 10 पैसे से अदर दूसरी टीम तुम लोगों को 40 पैसे मिल रही, और 40 पैसे से फिर अगेन अपनी मतलब जो टीम है वो 30 पैसे मिल रही। और तुम लोग इससे क्या प्रॉफिट रहोगे,
एक लिमिट भी प्रॉफिट नहीं निकलोगे। तो गाइस इस मैच को तुम लोग पेड में ज्वाइनिंग हो जाओ या 30% प्रॉफिट शेयरिंग में जुड़ जाइए। और गाइस 1% यहाँ पर मतलब कि जो टॉस जीतेगा गुआना और 1% फर्स्ट बैट पर आता है, तो 6 ओवर सेशन नोट करना, 10 ओवर सेशन नोट करना, 15 ओवर टेलीग्राम पर अपडेट कर दीजिए। लंबी की बात की जाए तो यस करना गुआना का, क्योंकि इसका स्कोर लगभग 155 से 162 के बीच में स्कोर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह गाइस कि ये बहुत ही शानदार मैच है। मतलब अगर तुम लोग दो लिमिट से मैच प्ले करते हो तो दो लिमिट से तुम लोग खुद अगर तुम लोग किसी को फॉलो भी नहीं करना है ना, तो तुम लोग दो लिमिट से बस तुम लोग 25 पैसे पर बुक सेट कर लेना, किसी भी टीम को ले लेना। तुम लोग 25 पैसे पर बुक सेट कर लोगे ना, तो तुम लोग दो लिमिट से प्ले करते हो तो तुम लोग 1.5 लिमिट इजिली प्रॉफिट रहोगे। लेकिन गाइस ट्विस्ट ये है, इसलिए फीस ज़्यादा है, कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो ना, दो लिमिट लेकर के आते हो, तो 8 से 10 लिमिट प्लस करके जाओगे। बुकियों को उड़ा देना गाइस, इस तरीके का इस लेवल का ही मैच है। बस इतना ही बोल रहा हूँ, ये मैच मिस मत करना। और गाइस फिर तुम्हारे एल लगना कोई नहीं बचा सकता, इस मैच को मिस मत करना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखना आपका अपना भाई अर्जुन। और कुछ भी चेंज नहीं होता है, तुम लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा।